नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच की नई कड़ी के रूप में लेकर आए हैं पर्सोनिफिकेशन। फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंतर्गत आज हम मानवीकरण अलंकार को सीखने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप इसे बड़ी मेहनत लगन के साथ सीखेंगे और परीक्षाएं अभी नज़दीक हैं, आप अपनी परीक्षाओं में भी इस ज्ञान को प्रयोग करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। दैट्स मीन्स मानवीकरण अलंकार में निजी वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है मानो उनमें जीवन हो। हम लोग निजी वस्तु और भावनात्मक विचारों को ऐसे प्रकट करते हैं जैसे कि उन्हें जीवंत मान लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, डेथ लेज हर आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु ने अपना वर्फ के समान हाथ राजाओं के सर पर रख देती है। मृत्यु अपना बर्फ के जैसा ठंडा हाथ राजाओं के सर पर रखती है। मृत्यु का ठंडा हाथ सर पर रखना मतलब मृत्यु हो जाना, किसी की हत्या कर देना। अब यहाँ डेथ, इट्स नॉन लिविंग, लेकिन डेथ को यहाँ ऐसे इस्तेमाल किया गया जैसे कि वह कोई सजीव व्यक्ति है और उसने अपना हाथ राजाओं के सर पर रख दिया, यानी कि उनकी हत्या करती। जहाँ ऐसी स्थिति स्पष्ट होती है, हम वहाँ मानवीकरण अलंकार होने की बात कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होने की बात कहते हैं। एक और एग्जांपल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अब अध्यापक तो हम लोग जानते हैं, इट्स एनिमेट, सजीव। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, नाउन का कार्य कर रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस एक अनुभव होता है, उसे फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। हम एक्सपीरियंस को टीचर कैसे कह सकते हैं भला? लेकिन भाषा में धारा प्रवाह और सुंदरता प्रकट करने के लिए हम शब्दों के जिन रूपों का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा के अलंकार कहलाते हैं। और यहाँ उसी क्रम में एक्सपीरियंस को एक जीवंत व्यक्ति मान लिया गया है, इसलिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर यहां पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यानी कि मानवीयकरण अलंकार स्पष्ट होता है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अब अंधा कौन होगा? जिसकी आंखें होंगी। अब लव यानी कि प्रेम के तो आंखें नहीं है, लेकिन हम लव इज ब्लाइंड कह रहे हैं, दैट मीन्स हमने प्रेम को एक जीवंत वस्तु मान लिया है। एनेक्साइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। उत्तेजनाएं उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अब उत्तेजना एक फीलिंग होती है, एक एहसास होता है, वो किसी के सर पर कैसे बैठ सकती है भला? हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अपॉर्चुनिटी नुक्स एट द डोर बट वंस। अवसर दरवाजे पर केवल एक बार दस्तक देता है। अब अवसर कोई व्यक्ति नहीं है जो आकर हमारे गेट को खटखटाए, नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां अवसर को मानवीयकृत कर दिया गया। आई एम द सन ऑफ अर्थ एंड सन।
टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन. द मून वेल्ड हर फेस. ए लाई हैज नो लेग्स. ये सभी एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि यहां पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है. यहां पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण कर रहे हैं.